ये एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का प्रोफाइल मतलब हम लोग डिस्कस करते होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी और अपने जो हमारे ट्रेनीज आते हैं उनके साथ भी, कि जो क्लिनिकल रिसर्च का करियर अगर इनिशियली स्टार्ट होता है तो वो लगभग इस सैलरी से स्टार्ट होता है जो आपके स्क्रीन पे है, 18 to 25,000, पर ओवर ए पीरियड ऑफ 8 to 9 years, 7 to 9 years, यू रीच टू द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज इन क्लिनिकल रिसर्च। आप 2-3, 2-2.5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, और ये हमने बड़े मतलब वो कहते होते हैं ना कि कंजूसी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मतलब मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स दोज मतलब दे आर अर्निंग इन द ट्यून ऑफ 5 to 6 lakh पैकेज। तो ये जो मतलब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, ये किसी भी फील्ड में, फार्मास्यूटिकल के किसी भी फील्ड में इतनी शार्प नहीं है, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे वो क्वालिटी इश्योरेंस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, बट इट इज द क्लिनिक, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और मैन पावर कम है, स्किल्ड मैन पावर कम है, इसीलिए ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो ट्रेजेक्टरी है वो स्टीप हो जाती है ना। अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हो तो वहाँ क्यूसी के पहले 50 लोग होते हैं ना, पर अच्छे क्लिनिकल रिसर्चर्स मिलते ही नहीं। तो ये फर्क रह जाता है अपॉर्चुनिटीज होने का और अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टेगनेंट अपॉर्चुनिटीज होने का। मैं बहुत बार कहता हूँ कि कुछ जो ओल्ड डिपार्टमेंट्स हैं या पुरानी जॉब अपॉर्चुनिटीज जिसे कहते हैं, वो स्टेगनेंट, उसमें ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो जो क्लिनिकल रिसर्च है, अगर आप मेहनत करते हो, देखो सारा काम तो मेहनत और ईमानदारी, मेहनत ईमानदारी फोकस पे है, पैशन पे है। अगर आप उससे करते हो तो आप बहुत जल्दी टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि 7 से 8 साल में डायरेक्टर की लेवल पे ऑफ ए क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए इन लेसर देन 8 ईयर्स, है ना। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप मतलब इंटेलिजेंट हो, मेहनत करते हो, ईमानदार हो और पैशनेटली काम करते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह की टीम चाहिए होती है जो उसके लिए काम करे, जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, है ना, और जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है, और आपको हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए।